एक अष्टमी की रात सिया अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लेकर घर आ रही थी। सिया के रास्ते में एक प्राचीन मंदिर पड़ता था, तो वो उस मंदिर में कुछ मिनट आराम करने के लिए रुक गई। तभी उसे लगा कि जैसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही है। दो लंबे चौड़े आदमी भागते हुए मंदिर से बाहर आए। उनके हाथों में मंदिर के दान पेटी थी और उनके मुंह कपड़े से ढके हुए थे। सिया समझ गई कि जरूर ये लोग मंदिर के पैसे चुराकर भाग रहे हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी ने सिया को देख ली और बोला, तुम उस लड़की को पकड़ो, मैं दान पेटी संभालता हूँ। सिया अपनी जान बचाकर भागने लगी और उनमें से दो चोर उसका पीछा करने लगा। भागते भागते सिया गांव के पास वाले जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वो महल रानी दुर्गामती का महल था, जिसके बारे में सिया बचपन से कई रहस्यमय किस्से सुनती आ रही थी। सिया के पास कोई चॉइस नहीं थी और वो छुपने के लिए दुर्गामती महल में चली गई। उसके अंदर घुसते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। महल के एक कोने में एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग में लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत के गले में फंदा था और वो औरत उसी फंदे से लटकी हुई थी। तभी अचानक दीवार पर लगी वो पेंटिंग धम से नीचे गिर गई और सिया को अचानक बहुत तेज ठंड लगने लगी। सिया ठंड से कांप रही थी और वो इधर उधर खुद को ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। अचानक सिया को एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा बंद पड़ा था और फिर जोर से हवा चली और वो दरवाजा खुल गया। सिया जैसे ही उस कमरे के अंदर गई, उस कमरे में एक लाल रंग की साड़ी पड़ी हुई थी। उस लाल साड़ी के बगल में एक पुरानी सी किताब भी पड़ी थी। वो किताब हवा से अपने आप खुल गई। सिया ने देखा कि उसमें रानी दुर्गामती के बारे में कुछ लिखा था। वो किताब पढ़ ही रही थी कि उधर वो चोर सिया को ढूंढते ढूंढते दुर्गामती महल के अंदर आ गए। इन दोनों चोर ने सिया को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाने का फैसला किया। एक चोर ऊपर चला गया और दूसरा नीचे ही सिया को ढूंढने लगा। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उस चोर को दीवार पे एक स्विच बोर्ड दिखा। उसने स्विच ऑन किया तो हॉल की सारी लाइट जल गई। लाइट जलते ही उस चोर को जमीन पर खून के पैरों के निशान दिखे। उसे लगा कि शायद सिया को भागते हुए चोट लग गई होगी और वो उन निशानों को फॉलो करने लगा। कॉरिडोर के कोने में लाल साड़ी पहने एक लड़की बैठी थी। उसकी पीठ उस चोर की तरफ थी, इसलिए वो चोर उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उस चोर को लगा कि वो लड़की सिया है। जैसे ही वो लड़की मुड़ी, उस चोर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस लड़की ने घूंघट डाला हुआ था और उसका पूरा चेहरा काले बालों से ढका हुआ था। वो चोर को देखकर जोर से चिल्लाई और तभी वहां जलते हुए लाइट बल्ब एक के बाद एक फूटने लगे। लाइट्स के ऑफ होते ही अंधेरा हो गया और वो लड़की भी वहां से गायब हो गई। वही दूसरी तरफ दूसरा चोर सिया को नीचे ढूंढ रहा था। नीचे वाले कॉरिडोर में एक बड़ा सा शीशा लगा था, जिसे देखते ही
दूसरे चोर को बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। तभी उसे शीशे में किसी की परछाई नजर आने लगी, पर जैसे ही वो मुड़ा वहां कोई नहीं था। उसके बाद उसे एक कमरे में एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी। वो भागकर कमरे के बाहर पहुंचा और नीचे से अंदर झांकने लगा। अंदर एक लड़की चल रही थी जिसके पैरों से खून निकल रहा था। उस चोर ने अपनी तलवार निकाला और जोर से दरवाजा खोला, लेकिन वो देखकर दंग रह गया कि अंदर कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा और उसे कमरे के अंदर गिरा दिया। उस कमरे में एकदम अंधेरा था। वो चोर उठा और उसने अपना लाइटर जलाया और आसपास देखने लगा। 2 सेकंड बाद जब वो मुड़ा तो वही लाल साड़ी वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी, जिसने फूंक मारकर उस लाइटर को बुझा दिया। वो चोर इतना डर गया था कि वो जोर जोर से अपने साथी को पुकारने लगा। उसका साथी भी भागते हुए आया और डरते डरते उसके साथ महल के बाहर भागने लगा। तभी उनके पीछे से बहुत ही डरावनी सी हंसी सुनाई दी। वो चोर बिना कुछ सोचे समझे महल से दूर भाग गए।